आज हम बनाएंगे सोया पुलाव और इसे हम कुकर में झटपट से बनाकर तैयार करेंगे, वो भी एकदम कम मसालों के साथ। ये खाने में टेस्टी लगने के साथ साथ बहुत हेल्दी भी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सोया पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप सोया चंक्स या सोया बड़ी ली है। इसमें हम एकदम उबलता हुआ गर्म पानी डाल देंगे, जिससे सोया चंक्स अच्छे से फूल जाएंगे और सोया बड़ी को पानी में 20 मिनट ऐसे ही रहने देंगे। 20 मिनट हो गए हैं और ये सोया बड़ी अच्छे से फूल गई है, आप देख सकते हैं। तो इसे हम एक छलनी में निकाल लेंगे। अभी ये बहुत गर्म है, थोड़ी ठंडी हो जाएगी तब हम इसका एक्स्ट्रा पानी निचोड़ कर निकाल लेंगे। तब तक हम चावल भिगा के तैयार कर लेते हैं। हमने यहाँ पर 1 कप बासमती चावल लिए हैं। बासमती चावल से पुलाव खिला खिला भी बनता है और टेस्टी भी बनता है। चावल को हम 2-3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे और इसे हम भिगा के करीबन 15 मिनट के लिए रख देंगे। इधर हमारी सोया बड़ी भी ठंडी हो चुकी है, तो हम इसे हाथों से निचोड़ कर इसका एक्स्ट्रा पानी जो है निकाल देंगे। हमने सारी सोया बड़ी का एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। मैंने यहाँ पर 1/4 कप दही लिया है, एकदम गाढ़ा दही है। आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ऐसा करने से सोया बड़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मिक्स करने के बाद हम इसे 15 मिनट ऐसे ही रखा रहने देंगे। अब हम एक कुकर लेंगे और कुकर में 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। आप तेल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खड़े मसाले डाल देंगे। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है। एक तेज पत्ता डाल देंगे, 1 बड़ी इलायची डाल देंगे, काली मिर्च डाल देंगे, 2 छोटी इलायची, 2 लौंग और 1 इंच दालचीनी डाल देंगे, आधा छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे और इन मसालों को तेल में कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे, जिससे कि तेल में मसालों का फ्लेवर अच्छे से आ जाए। अब हम इसमें 1 बड़े साइज के प्याज को स्लाइस में कट करके डाल देंगे और प्याज को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से सॉफ्ट होने तक भून लेना है। प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। 2 हरी मिर्च डाल देंगे बारीक कटी हुई, 1 चम्मच अदरक लहसुन डाल देंगे बारीक कटा हुआ। इन्हें भी हम 1 से 2 मिनट के लिए प्याज के साथ भून लेंगे। तो ये देखिए, सारी चीज़ों को हमने अच्छे से भून लिया है। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर को बारीक कट करके डालेंगे और टमाटर डालने के साथ ही इसमें नमक डाल देंगे। मैंने आधा छोटी चम्मच नमक लिया है, अच्छे से मिक्स कर देंगे। टमाटर के साथ नमक डालने से टमाटर जल्दी से गल जाता है। अब हम इसमें मसाले डाल देंगे, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच गरम मसाला। बस इसमें और कोई मसाला नहीं डालना है। अब हम इन मसालों को लो फ्लेम करके अच्छे से भूनेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। मसालों को हमने अच्छे से भून लिया है और टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब इसमें सोया बड़ी डाल देंगे जो हमने मैरिनेट करके रखी हुई थी। सोया बड़ी को हम मसालों के साथ 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। इस तरह से मैरिनेट करके डालेंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हमने सोया बड़ी को 2 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इसमें धनिया पत्ता डाल देंगे, मिक्स कर देंगे। ये हमारा मसाला तैयार हो चुका है और अब हम इसमें चावल डाल देंगे। चावल को 15 मिनट हो जाने के बाद मैंने इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया था। चावल को पहले अच्छे से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। चावल को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और हमने 1 कप चावल लिया था, तो हम इसमें 1.5 कप पानी डालेंगे। ये देखिए, 1 कप पानी डाल दिया है मैंने इसमें।
आधा कप पानी और डाल देंगे। ये देखिए आधा कप पानी और डाल दिया है। तो मेजरमेंट का ध्यान रखिएगा, एक कप चावल के लिए 1.5 कप पानी का इस्तेमाल करना है। इसे अच्छे से मिक्स करना है और उबाल आने का इंतज़ार करना है। तो ये हल्का हल्का उबाल आने लगा है साइड में। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम में इसमें 2 सीटी लगा लेंगे। उसके बाद गैस बंद कर देंगे। कुकर में 2 सीटी आई थी और जब कुकर पूरी तरह से ठंडा हो गया है तब हम इसे खोलेंगे और चावल को हल्के हाथों से अलट पलट कर देंगे। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, अभी ये चावल आपको थोड़े थोड़े चिपके लगेंगे। 15 मिनट के बाद ये एकदम खिला खिला पुलाव बन जाता है। अब हम चावल को 15 मिनट के लिए इस तरह से ढककर छोड़ देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, अब हम इसे सर्व करेंगे और ये खिला खिला पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। इसे आप वेजिटेबल रायते के साथ सर्व करें। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इस पुलाव की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।